वो कोई पहाड़ नहीं था बल्कि पहाड़ उस पर था। हमने कभी सोचा नहीं था कि वो असलियत में एग्जिस्ट भी करता होगा, पर उस पल अपने पाँव के नीचे की जमीन हिलता देख हम समझ गए थे कि वो असली था और वो आखिरकार जाग उठा था। तुमने कहानियों में कई बार विजिट से सुना होगा कि क्लैश विलेज से थोड़ी दूर बादलों से भी ऊपर एक हवा में तैरता मैजिकल आइलैंड है, जहां क्लैश विलेज की ही तरह विलेज है, पर वो इतना बड़ा है कि वहां रहने वाला अकड़ू ग्रैंड बिल्डर तो ये तक कहता है कि क्लैश विलेज चींटियों का विलेज है। और वहां खुद रहने और अपनी आंखों से उसे देखने के बाद इस पर मुझे कोई डाउट भी नहीं था, पर ग्रैंड बिल्डर के बताने के बाद भी मुझे माउंटेन गोलम की एग्जिस्टेंस वाली बात पर थोड़ा डाउट था, क्योंकि अगर ग्रैंड बिल्डर का कहना सही था तो माउंटेन गोलम बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा, इतना कि अगर वो नॉर्मल विलेज में होता तो शायद उसका एक अटैक आधा विलेज तबाह कर देता। और उस पल उसे अपने सामने गुस्से में दहाड़ते हुए देख सबके मन में यही सवाल थे कि क्या माउंटेन गोलम गोब्लिन विलेज के मेगा ड्रैगन से रिलेटेड है। अगर नहीं तो फिर ग्रैंड बिल्डर ने उस जायंट मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले क्रिएचर को कैसे कंट्रोल में रखा था? आखिर वो वहां कैसे आया? क्या वो हमेशा से वहां था? और क्यों वो उठने पर गुस्सा था? अगर हमें गोलम की भाषा समझ आती तो शायद हम उसकी कहानी खुद माउंटेन गोलम से सुनते, पर हम में से किसी को भी वो बोलना नहीं आती थी, इसलिए इसका जवाब सिर्फ ग्रैंड बिल्डर ही दे सकता था। पर उस हद से ज्यादा घमंडी से कुछ जवाब ले पाने से शायद गोलम की भाषा सीखना ज्यादा आसान काम रहना था। तो फिर हमने माउंटेन गोलम को कैसे शांत किया? तो ये वो समय है जब मैं तुम्हें इस स्टोरी के हीरो से मिलाता हूँ, जो और कोई नहीं बल्कि आप सबका फेवरेट यानी मैं सुपर विजर्ड था। और क्या तुम जानते हो कि मेरे आते ही क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक आवाज ने कहा। सुपर विजर्ड ने इग्नोर करते हुए कहा, तो मेरे आते ही चारों ओर सभी मुझे चीयर करने लगे और मेरी इतनी रिस्पेक्ट देकर वो मॉन्स्टर माउंटेन गोलम मुझसे डर गया और मुझसे माफी, और अभी वो माफी बोल ही रहा था कि तभी माउंटेन गोलम ने सुपर विजर्ड का कान पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाया और ग्रैंड बिल्डर के आगे छोड़ दिया। ग्रैंड बिल्डर थोड़ा नाराज था और उसने सुपर विजर्ड की ओर देखते हुए कहा, एल्विन मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम कब समझोगे कि तुम माउंटेन गोलम के पास नहीं जानते और तुम क्लैश विलेज से घूमने आने वाली ट्रूप्स को अपनी मर्जी की क्लैन कैपिटल का पास नहीं बता सकते? और ऐसे विलेजर्स को अपनी हीरो वाली मनगढ़ंत स्टोरीज बताने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। सुपरविजर ने खुद को माउंटेन गोलम के हाथ से निकालते हुए एक स्माइल के साथ कहा, बिल्डर दादा आपको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि शायद आप भूल गए हो कि मैं कितना स्ट्रांग और ऑसम हूँ। ग्रैंड बिल्डर ने गुस्से में कहा, एल्विन तुम कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, तुम भूल गए कि वो कौन था जिसने तुम सबको संभाला था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम्हारी मैजिकल पावर जो शायद अब तुम्हारे सर पर चढ़ने लगी है, लगता है तुम भूल गए हो कि जिन सुपर ट्रूप्स का लीडर बनकर तुम घूमते हो वहाँ तुम्हें किसने लाया था? ग्रैंड बिल्डर ने मैजिकल हैमर उठाते हुए कहा, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? ऐसा लग रहा था कि वहाँ फाइट होने वाली थी, पर अचानक से माउंटेन गोलम दहाड़ा, जिसे सुन ग्रैंड बिल्डर रुक गया और अपना हैमर नीचे कर लिया और उसने पीछे मुड़ते हुए एल्विन से कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था। एल्विन जो हल्का सा डरा था उसने कहा, मैं जानता हूँ, अभी आप माउंटेन गोलम के कहने पर रुके, ऐसा क्या है जो आप नहीं चाहते कि मैं माउंटेन गोलम के बारे में जानूं? ग्रैंड बिल्डर ने कहा, बस इससे दूर रहो। एल्विन ने कहा, मैं जानता हूँ। ग्रैंड बिल्डर उसे फिर गुस्से में मना करने वाला था कि तभी माउंटेन गोलम ने उसकी तरफ देखा और कुछ गोलम की आवाज में कहा, ग्रैंड बिल्डर ने कहा कि तुम भी? माउंटेन गोलम ने कहा, हाँ, वैसे भी यंग विजर्ड ने तुम्हारे बिना ही मेरे पास की ज्यादातर हिस्ट्री जान ली है और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार आए। एल्विन के लिए वो गोलम की दहाड़ ही थी, पर वो जानता था कि माउंटेन गोलम ने फिर कुछ कहा था और ग्रैंड बिल्डर ने उसके बाद एल्विन की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे शांति से बैठोगे भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ माउंटेन गोलम का पूरा पास्ट। बताओ कि तुम अब तक क्या जानते हो? एल्विन ने एक्साइटमेंट में कहा, नहीं, मैं सब आपसे ही जानना चाहता हूँ, खास कर कि क्यों माउंटेन गोलम आपकी बात मानता है। ग्रैंड बिल्डर ने कहा, ठीक है तो सुनो, ये आज से कई कई साल पहले हमारे क्लैन कैपिटल से दूर एक मैजिकल फॉरेस्ट की बात है। एक टाइम जब हमारी दुनिया में कई तरह के जायंट्स रहते थे, कुछ थोड़े छोटे तो कुछ थोड़े मोटे। वो क्लैश हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टाइम था क्योंकि मैजिकल फॉरेस्ट में रहने वाले जायंट्स में एक चीज जो कॉमन थी वो थी, वो सभी जायंट्स दिल से बहुत अच्छे थे, जिसके कारण उस फॉरेस्ट में रहने वाले छोटे क्रिएचर्स जैसे इंसान और गोब्लिन सब जायंट्स के साथ मिलजुल कर रहते थे। जायंट्स फॉरेस्ट का ख्याल रखते और फॉरेस्ट उन सब का। जायंट से किसी को शिकायत नहीं हो सकती थी, आखिर होती भी क्यों, वो इतने अच्छे जो थे। पर दुर्भाग्यवश किसी को ये पसंद नहीं था कि फॉरेस्ट में रहने वाले इंसानों में जायंट्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, और वो थे कैपिटल पीक पर रहने वाले माइटी गॉड्स, खास करके उनका किंग जो नीचे रहने वाले क्रिएचर्स को चींटियों के समान मानता था और ऐसा मानता था कि वो सब सिर्फ उसकी सेवा के लिए बने थे। और जायंट्स की पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए उसने धीरे धीरे उन्हें अपने यूजलेस काम पर लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने कुछ जायंट्स को कैपिटल पीक पर बने उसके महल के वेट को संभालने के लिए लगा दिया। जायंट्स जो ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करते थे
उन्हें कभी ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि कोई उनका फायदा उठा रहा था। पर उस किंग के कितनी भी कोशिश पर फॉरेस्ट में रहने वाले क्रिएचर्स के बीच जायंट्स की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि कोई था जो अब भी उन सबकी मदद कर रहा था, कोई जो देखने में जायंट कम एक पत्थर का पहाड़ की तरह ज्यादा दिखता था, और शायद पहाड़ जैसा दिखने के कारण किंग ने उसे इग्नोर कर दिया था। वो जायंट बाकी से सिर्फ देखने में ही अलग नहीं था, बल्कि वो इतना ज्यादा दयालु और नेचर से जुड़ा हुआ था कि नीचे रहने वाले लोग उसे फॉरेस्ट गॉड का पार्ट और क्रिएशन मानते थे। और उसका व्यवहार सच में इतना अच्छा था कि सभी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उसे ओरस के नाम से पुकारते थे। पर जल्द ही किंग की उस पर भी नजर लग गई और वो चाहता था कि वो फॉरेस्ट की क्रिएशन उसके आइलैंड पर होनी चाहिए थी, इसलिए उसने ओरस को उसके आइलैंड पर आने का इन्विटेशन दिया। ओरस कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था, और जब उसे पता चला कि वो उस आइलैंड पर भी पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद कर सकता था, वो बहुत ज्यादा खुश था। पर उसकी खुशी कुछ ही देर की थी, क्योंकि जल्द ही उसने पाया कि किंग उसे फॉरेस्ट में काम करने से ज्यादा अपने काम करने पर लगाए रखता था, और अपने आइलैंड को फैलाने के लिए वो उल्टा फॉरेस्ट को तबाह कर रहा था। और उस इस बात से दुखी था, और उसने किंग को कई बार रोकने की कोशिश भी की, पर जब किंग ने उसकी बात नहीं मानी और उसने गुस्से में कैपिटल पीक को छोड़ दिया। किंग को शायद ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसका ये व्यवहार एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। और उसके जाते ही उसके किंगडम पर फॉरेस्ट गॉड का कहर देखा गया। जो आइलैंड कभी किसी एडवांस सिविलाइजेशन की तरह सजा हुआ था, वो जल्द ही एक घने जंगलों से घिरा हुआ खंडर में बदल गया, और समय के साथ जायंट्स भी उस जगह को छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे उसकी किंगडम गिरने लगी, और जब उसे सब छोड़कर जाने लगे, उसे महसूस हुआ कि किसी की भी रिस्पेक्ट न करने के कारण उस पल उसके साथ कोई नहीं था, और वो अपनी गलती पर पश्चाताप करना चाहता था। और जहाँ वो किंग अपनी नई जर्नी पर निकलने वाला था, और उस फिर से कभी नहीं देखा गया। और समय के साथ वो नीचे रहने वाले लोगों के बीच माउंटेन गोलम के नाम की मिथ में बदल गया। पर यह तो बात थी उसके पास्ट की, पर हाल ही में जो हुआ वो तो तुम जानते ही हो। एक बार जब मुझे वार्डन की खोई हुई बुक ऑफ एवरीथिंग मिली, मैं जानता था कि मैं फॉरेस्ट गॉड को उस कर्स को हटाने के लिए मना सकता हूँ। और एक बार वो करने के बाद मैं ओरस के बारे में भी जान गया था, और फॉरेस्ट गॉड से जानने के बाद कि वो कैसे बना था, मैंने उसे एक बार फिर रिवाइव किया और उसे ऑफर दिया कि वो मेरे साथ मिलकर फॉरेस्ट को बढ़ने में मदद कर सकता है, और अगर उसे कोई चीज पसंद आए तो वो उस बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। और उसे बताया कि अब उसे किसी के भी ऑर्डर को सुनने की जरूरत नहीं है, वो खुद का किंग बनकर रह सकता है। और बस इस तरह माउंटेन गोलम हमारी फैमिली का पार्ट बन गया। तो ये था जो भी मैं माउंटेन गोलम के बारे में जानता था, सुपरविजर ने कहा। बिल्डर दादा, ये सच में मजेदार था। पर एक बार फिर अपनी चलाक स्माइल के साथ एल्विन ने कहा, मैं बस सोच रहा था कि आपको माउंटेन गोलम के पास्ट के बारे में इतना कैसे पता है। शायद वो मैं किसी और दिन जानूंगा, आज के लिए इतना काफी है। तो ये थी स्टोरी माउंटेन गोलम की दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा, और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर से बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, माइनक्राफ्ट से, नल स्टोरी ऑफ एले, क्लैश ऑफ क्लैंस से स्पूकी आर्चर क्वीन की, या फिर किसी और मजेदार से टॉपिक पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, देखने का शुक्रिया, फिर मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ। देखने का शुक्रिया, फिर मिलते हैं।